छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश की जनता के लिए भरोसे का बजट पेश किया गया है, जिसके चलते छात्र छात्राओं ने भी मुख्यमंत्री का आभार जताया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को अपना 5वां विधानसभा में बजट पेश किया। यह सीएम बघेल के कार्यकाल का अंतिम बजट है। इस दौरान सीएम ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, इसके साथ ही राज्य की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण भी पेश किया। सीएम ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, साथ ही इस बजट को राज्य सरकार भरोसे का बजट के नाम से पेश कर रही है। इसी कड़ी में दुर्ग में बेरोजगारी भत्ते का ऐलान कर युवाओं को 2500 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता दिए जाने से छात्र छात्राओं के चेहरे में खुशी आई है, तो वहीं कहीं ना कहीं उनके आगे के भविष्य को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भरोसा जताते हुए अपनी इच्छाएं जाहिर की हैं। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जो बजट आज पेश हुआ है, उसमें युवाओं वर्ग के लिए हम चाहते हैं कि जो बेरोजगारी भत्ता था 2500 वाला, वो सबको दिया जाए, क्योंकि पिछले कुछ सालों से वो नहीं दिया गया है, तो जिसमें हर्ष का विषय रहेगा सभी छात्र छात्राओं के लिए। और जो बच्चों को जो शिक्षा भी शिक्षा नीति में भी चेंज आया है, उसको भी चेंज करने की बदलने की बहुत ज़रूरत है, तो हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से उस बजट में वो भी शामिल करें। आज निश्चित ही बजट आने वाला है, और पिछले 4 सालों से भी हमारे जो छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कुछ ना कुछ सभी वर्गों के लिए बहुत अच्छी बजट पेश करते हैं, और हम इसल हम सब युवा छात्र जितने भी छात्र हैं, जितने भी छात्र वर्ग के लोग हैं, उनसे मतलब एक आशा है कि एक अच्छा बजट बिल्कुल पेश करेंगे, और ये सभी के लिए एक कामगार साबित होगा। अभी हम सब जानते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में विद्यार्थियों के लिए और बेरोजगारों के लिए 2500 रुपये की राशि का छूट दी है, तो ये मैं बहुत ही एक पॉजिटिव चेंज देखता हूँ इसमें, और बच्चों को इस राशि से बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। बहुत छोटे छोटे चीज़ों के लिए कई विद्यार्थी अपने आप को रोक लेते थे, जैसे एक पुस्तक खरीदने से लेकर कॉलेज आने तक की काफ़ी सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मदद होगी, और इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। अपने साथ अपने सारे विद्यार्थियों के तरफ से भी मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, और साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये एक अपेक्षा रखता हूँ कि आरक्षण को लेकर भी वो एक समानता का माहौल हमारे प्रदेश में लेके आएँ, और एक जनरल वर्ग के व्यक्ति और हर वर्ग के व्यक्ति को एक समान स्तर पर खड़ा करें, जहाँ से कोई भी कॉम्पिटिशन फेस करने के लिए हर व्यक्ति एक ही जगह पर स्टैंड करता हो। धन्यवाद। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।